हेलो फ्रेंड्स, पीरियड्स आने के बाद आपको प्रेगनेंसी के चांसेस कब सबसे ज़्यादा होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हर लेडी के मन में आता है, और जिन्होंने अगर यदि स्टरलाइजेशन नहीं कराया हुआ या कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ नहीं कर रही हैं या करना नहीं चाहती हैं, तो वो हमेशा सेफर साइड रहना चाहती हैं कि आप अपना सेक्सुअल लाइफ को एन्जॉय भी कर पाएँ और साथ में प्रेगनेंसी भी ना हो। तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपको इसी सवाल का जवाब देने जा रही हूँ इस पूरे वीडियो में कि ऐसा कौन सा समय है जब प्रेगनेंसी होने का रिस्क सबसे ज़्यादा होता है और कौन सा ऐसा समय है जब प्रेगनेंसी होने का रिस्क ना के बराबर है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यदि आप पीरियड्स के बाद में के दिनों में आप ये ट्रैक करना चाहती हैं कि कौन सा पीरियड से कौन सा डेज़ आपको सेफ है, कौन से डेज़ में आपको प्रेगनेंसी होने का खतरा सबसे ज़्यादा है, तो आपको अपने पीरियड्स ट्रैक करने पड़ेंगे। यानी कि आपको डे टू डे आपको पता होना चाहिए कि पीरियड कब चालू हो रहा है, कब ख़त्म हो रहा है। तो जब आप पीरियड पिछले 3-4 महीने या 6 महीने का ट्रैकिंग करेंगे तो आप एग्जैक्टली निकाल पाएंगे कि आपको कौन से दिन इंटरकोर्स करने से प्रेगनेंसी होगी और कौन से दिन नहीं होगी। तो यदि जनरली हम बात करते हैं तो पीरियड 28 से 30 दिन का होता है, और जो अंडा बनकर फूटता है उसके सही 14 दिन बाद आपको पीरियड्स आ जाते हैं। तो यानी कि यदि आपका साइकिल 28 दिन का है तो डेफिनेटली अगर पीरियड 1 तारीख को है तो 14वें दिन अंडा फूटेगा और 28वें दिन पे आपको पीरियड आएगा। दिस इज़ अ स्टैंडर्ड साइकिल। अब यदि आपका 30 दिन का साइकिल है तो आपको 16वें दिन अंडा फूटेगा और 30 डेज पे पीरियड आएगा। लेकिन यदि आपका शॉर्ट साइकिल है, यानी कि आपका पीरियड 25 दिन पर आ जाता है, तो 25 में से आप 14 माइनस कर लीजिए, यानी कि 11वें दिन आपका अंडा फूटेगा और 25 तारीख को पीरियड आएगा। तो इस तरीके से आप पिछली तारीख में से 14 दिन माइनस करेंगे तो आपको ओव्यूलेशन का डेट पता चल जाएगा, और जब ओव्यूलेशन होता है वो ही सबसे रिस्की पीरियड होता है या मोस्ट फर्टाइल पीरियड होता है। यदि आप उसके आसपास के दिनों में इंटरकोर्स करती हैं तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये फर्टाइल डेज यानी कि बीच का जो समय होता है 14वें दिन के आसपास का, उसको आपको अवॉइड करना होता है। अब अगर अपन ये बात करें कि कब प्रेगनेंसी नहीं होगी, तो जब महीना आया होता है, जब महीना आ रहा है तब तो कोई चांसेस नहीं है प्रेगनेंसी होने के। जब महीना आ चुका होता तो उसके अगले 3-4 दिन तक प्रेगनेंसी होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम होते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि यदि आपने 8वें दिन इंटरकोर्स किया तो उस दिन तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी, लेकिन जो उसमें सीमन डिपॉजिट होता है तो उसमें जो स्पर्म्स हैं उनकी लाइफ होती है 3 दिन तक। यानी कि अगर 8वें दिन आपने इंटरकोर्स किया तो उसमें जो स्पर्म्स हैं वो 11वें दिन तक भी ज़िंदा रहेंगे, और यदि आपका शॉर्ट साइकिल है और 11th डे आपका ओव्यूलेशन होता है तो डेफिनेटली आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। तो इसलिए आपको अपने पीरियड्स ट्रैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद ही आप सेफर पीरियड निकाल सकती हैं। क्योंकि एब्सोल्युटली हम ये नहीं कह पाएंगे कभी भी आपको कि इस दिन इंटरकोर्स करने से आपको प्रेगनेंसी के चांसेस ज़ीरो हैं, एक्सेप्ट द मेंस्ट्रुअल साइकिल डेज। यानी कि जब आपको पीरियड्स आ रहे हैं तभी सबसे सेफ डे माने जाएंगे, उसके बाद में प्रेगनेंसी होने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं बट कम हो जाते हैं। तो यानी कि शुरू के 7-8 दिन सेफ होते हैं, और ऐसे ही जब अंडा बनके फूट जाता है 14वें दिन के बाद में, अगला 21 दिन 22 दिन के से 30 दिन तक पीरियड आने के चांसेस जब बढ़ जाते हैं, उस टाइम पे आपको इंटरकोर्स करने में प्रेगनेंसी होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो अगर आप मोटे तौर पर कैलकुलेट करें तो शुरू के महीने के 10 दिन सेफ हो सकते हैं और आखिरी 10 दिन सेफ हो सकते हैं। बीच के जो 10 दिन हैं, यानी कि 14वें दिन से ऊपर के 5 दिन और नीचे के 5 दिन, 10 से 20 दिन तक बीच में अगर आप इंटरकोर्स करती हैं तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो बीच के 10 दिन आपको अवॉइड करने हैं, और शुरू के 10 दिन और आखिर के 10 दिन में आप आराम से अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। बट फिर भी हम आपको यही कहेंगे कि आप कंडोम या कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी अगर हो जाती है तो उसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे हैं, और हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें हमने आपको बार बार बताया है कि प्रेगनेंसी होने के बाद में एक्टोपिक के चांसेस बढ़ जाते हैं, अबॉर्शन करवाना पड़ सकता है, अबॉर्शन करवाया उसके बाद में कोई टुकड़ा रह सकता है तो उसके लिए बाद में आपको दूरबीन से ऑपरेशन कराना पड़ सकता है, कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसलिए बचाव ही इलाज है। जब भी इंटरकोर्स करें, कंडोम का इस्तेमाल करें, तो आपको PID इन्फेक्शन भी नहीं होगा, प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। और किसी कारणवश अगर आप नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, अवेलेबिलिटी का इशू है, तो डेफिनेटली आपको फिर हमने हमारे एक लाइव सेशन में भी आपको बताया था, बाकी हमारे वीडियोज़ भी हैं कि आप जो IPL आती है या अनवांटेड 72 आती है, बहुत सारी गोलियाँ मार्केट में अवेलेबल है जो विद इन 72 आवर्स ली जा सकती हैं। लेकिन सेफ पीरियड्स को, सेफ डेज को जानने के लिए आपको अपना पीरियड्स का ट्रैकिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है,
और दोबारा बताऊंगी कि लास्ट के डे में से आप 14 डेज माइनस करेंगे तो आपका ओव्यूलेशन का तारीख आएगा, और ओव्यूलेशन के आसपास के दिनों में प्रेगनेंसी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा कोई भी दिन है उसमें आप आराम से सेफली अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। यदि इससे रिलेटेड आपका फिर भी कोई सवाल है तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।